गुड मॉर्निंग एवरीवन. आज का हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 3 ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि जब जो एक नेशन है वो अपनी जो भी वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहा है उसको वो ओपन अप कर रहा है फॉर दी अदर कंट्रीज ऑफ दी वर्ल्ड. मतलब जब एक जो कंट्री है उसकी जो इकोनॉमी है वो लिंक कर रही है विद द इकोनॉमीज ऑफ अदर कंट्रीज. इसका मतलब फ्री ट्रेड हो रहा है, फ्रीली जो आपका कैपिटल और लेबर है उसका मूवमेंट हो रहा है, फ्रीली आपकी जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं एक से दूसरी कंट्रीज में जाके अपना जो टैलेंट है, स्किल है, उसको बाय और सेल कर पा रहे हैं, तो उसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं. इसका मतलब ये है कि जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं या जो दूसरे आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो आपकी कंट्री में आ सकते हैं काम करने के लिए, और आपकी कंट्री से जो भी ये रिसोर्सेज हैं वो दूसरी कंट्रीज में जा सकते हैं काम करने के लिए. तो कॉरपोरेशन जो है वो सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल है उस चीज में. ये सिर्फ एमएनसी कॉरपोरेशंस तक ही लिमिटेड नहीं है, इसमें गवर्नमेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, इसमें इंडिविजुअल्स भी आ जाते हैं या एनी अदर फॉर्म ऑफ पर्सन डूइंग एनी बिजनेस और एनी ट्रेड एनीथिंग दैट क्रॉसेस हिज और हर नेशनल बाउंड्रीज, वो आता है हमारा ग्लोबलाइजेशन के अंदर. तो ग्लोबलाइजेशन को हम डिफाइन करते हैं एज अ प्रोसेस associated with increasing openness, growing economic interdependence and deepening economic integration in the world economy. Globalization का मतलब है आप अपनी economy को open कर रहे हो, invite कर रहे हो दूसरी country से foreign investment को, obstacles को remove कर रहे हो to the entry of multinational corporation, carry out कर रहे हो मैसिव इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन ताकि जो इम्पोर्ट ड्यूटीज हैं उसको कम किया जा सके, प्रमोट किया जा सके इंटरनेशनल ट्रेड को, एक्सेट्रा एक्टिविटीज. ग्लोबलाइजेशन होने से जो MNCs हैं उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ है, उन्हें अलाउ हुआ है कि डिफरेंट कंट्रीज जहाँ पे उनकी पहले एंट्री रिस्ट्रिक्टेड थी, बैन थी, अब वो वहाँ पर जाके रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं. और जो ग्लोबलाइजेशन है वो ये अज्यूम करती है कि जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसका क्लोज लिंक होना चाहिए विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, टेक्नोलॉजी एक्सपर्टाइज होना चाहिए अमंग डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. मतलब कि जो ये बाउंड्रीज हैं डिफरेंट नेशंस के बीच में उन्हें आप ओपन कर दो, उन्हें हटा दो फॉर द सेक ऑफ बिजनेस, फॉर द सेक ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो उसे हम सिंपली ग्लोबलाइजेशन कहते हैं. कि जो पूरा वर्ल्ड है उसे आप जब बिजनेस कर रहे हो या ट्रेड कर रहे हो, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो, तो आप उसमें से जो बाउंड्रीज हैं नेशंस की उसे हटा दो, वो पूरी एक ही बाउंड्री है जो वर्ल्ड की वो उसके अंदर काम कर रहा है. देन नेक्स्ट इज योर कि जो इंक्रीज कॉपरेशन है डोमेस्टिक इकोनॉमी का विद डिफरेंट इकोनॉमीज अक्रॉस द वर्ल्ड वो इंक्रीज हो जाता है. ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स भी हैं लेकिन एट द सेम टाइम इसके काफ़ी डिसएडवांटेजेस भी हैं. जैसे अगर हम प्रेजेंट पेंडेमिक की बात करें, जो कोविड है इसके स्प्रेड होने का रीज़न, एक रीज़न उसका ग्लोबलाइजेशन भी है. अगर ये किसी एक कंट्री में ओरिजिनेट हुआ क्योंकि ग्लोबलाइजेशन था, उस कंट्री से जो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे जो उस चीज़ से इफेक्ट होंगे या जो आपके प्रोडक्ट्स होंगे जो उस चीज़ से इफेक्ट होंगे, वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही दूसरी कंट्री में पास ऑन हुए, चाहे वो एयर ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो सी ट्रांसपोर्ट हो, जो भी प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है उसके थ्रू, या जो ह्यूमन बीइंग्स थ्रू एयर ट्रेवल कर रहे हैं या थ्रू डिफरेंट मीडियम्स ट्रेवल कर रहे हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. तो ये जो पेंडेमिक है उस को स्प्रेड होने का जो एक सोर्स है वो ये भी है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो स्प्रेड हुआ है. तो ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स भी हैं और ग्लोबलाइजेशन के डिसएडवांटेजेस भी हैं. कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फ्लो करती है डेवलप कंट्रीज से टू द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक टू द डेवलपिंग नेशंस लाइक चाइना एंड इंडिया एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज. तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो बेनिफिट करता है हर एक कंट्री को. इसमें ग्लोबलाइजेशन में मेनली इंक्लूड कैसे करते हो आपकी किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन जो है
उसको इंक्रीज किया जाता है। सबसे पहले तो जो हमने कहा कि आप इसमें वर्ल्ड को एज अ ग्लोबल विलेज मान रहे हो, आप ग्लोबलाइजेशन का जो अल्टीमेट एम है दैट इज कि वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज है। आपको अगर कोई यूएस में बैठा है उसे कोई सामान चाइना ने जो बनाया वो चाइना में जो बैठा पर्सन है उसका सामान पसंद नहीं आया, उसे बांग्लादेश में बैठे एक पर्सन ने कुछ बनाया वो पसंद आया, तो वो वहां से उसे बाय कर सकता है, और जो बांग्लादेश में बैठा है वो पर्सन उसे रशिया में सेल कर सकता है। तो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस है जहाँ पे आप इंटीग्रेट कर रहे हो डोमेस्टिक इकोनॉमी को विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन मेनली इंक्लूड्स कि आप टैरिफ्स को रिड्यूस करते हो, जो कस्टम ड्यूटीज होती हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स जो हैं जैसे क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस आपने लगा रखी हैं कोटा की फॉर्म में, परमिट लाइसेंस की फॉर्म में अक्रॉस डिफरेंट नेशंस, उसे रिड्यूस करना, अलाउ करना इजी फ्लो ऑफ कैपिटल अमंग डिफरेंट नेशंस, अलाउ करना इजी फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी अक्रॉस डिफरेंट नेशंस, अलाउ करना लिबरल मूवमेंट ऑफ लेबर अमंग डिफरेंट नेशंस। द नेक्स्ट इज योर डेफिनेशन क्या है ग्लोबलाइजेशन की। अकॉर्डिंग टू एमिनेंट इकोनॉमिस्ट दीपक नैयर, ग्लोबलाइजेशन में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग ओपननेस, ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एंड डीपनिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। इन शॉर्ट डेफिनेशन से क्या फीचर्स निकल के आते हैं ग्लोबलाइजेशन के, इंटीग्रेशन है डोमेस्टिक इकोनॉमी का ग्लोबल इकोनॉमी के साथ, ओपन अप हो कर रहे हो आप इकोनॉमी को टू फॉरेन कैपिटल, फॉरेन टेक्नोलॉजी एंड फॉरेन कंपटीशन, फ्री वर्ल्ड ट्रेड हो रहा है, लिबरलाइज्ड अप्रोच है टूवर्ड्स एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, एलिमिनेशन होता है टैरिफ्स एंड कोटास का, एक्सपेंशन होता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का, और लिबरल फ्लो होता है फॉरेन कैपिटल का। द नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज करेक्टरिस्टिक्स एलिमेंट्स और कॉम्पोनेंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फर्स्ट इज फ्री ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ग्लोबलाइजेशन में लिबरल पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के लिए गुड्स एंड सर्विसेज की, तो जो भी वेरियस टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उन्हें रिमूव किया जाता है ये इंश्योर करने के लिए कि जो मूवमेंट है गुड्स एंड सर्विसेज की वो अनरिस्ट्रिक्टेड हो अक्रॉस डिफरेंट नेशंस। जो होल वर्ल्ड है उसे एक सिंगल ग्लोबल विलेज की तरीके से ट्रीट किया जाता है। द नेक्स्ट इज इजी मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है आप ओपन अप कर रहे हो अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को टू फॉरेन कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट एंड रिमूव कर रहे हो ऑब्स्टिकल्स टू द एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। ग्लोबलाइजेशन में जो भी आप रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे पहले इनफ्लो और आउटफ्लो पे कैपिटल के, उसे रिमूव कर रहे हो, मिनिमाइज कर रहे हो, कंसेशंस दे रहे हो, ऑफर कर रहे हो टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज लिबरल मूवमेंट ऑफ लेबर। ग्लोबलाइजेशन में लिबरल मोबिलिटी है लेबर की अक्रॉस डिफरेंट नेशंस। इमिग्रेशन और इमिग्रेशन के जो रूल्स हैं उन्हें लिबरलाइज किया गया, आप फॉरेन टेक्नीशियंस को हायर कर रहे हो, टेक्नोक्रेट्स के लेबर आपको इजीली मिल रहा है, और इससे जो बिजनेस यूनिट्स है वो एडवांटेज ले पा रही हैं चीप ह्यूमन लेबर जो अवेलेबल है दूसरे नेशंस में उनका, और इससे जो इंटरडिपेंडेंस है डिफरेंट नेशंस की वो इंक्रीज हो रही है। जैसे अगर हम सिंपल सा एग्जाम्पल दें, अगर आप मोस्ट ऑफ दी जो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं, जो आईटी कंपनीज हैं उसमें देखेंगे तो इंडियंस आपको वर्ल्ड के पूरी जितनी भी डिफरेंट कंट्रीज हैं सब जगह उनकी प्रेजेंस आपको मिलेगी आईटी सेक्टर में। द नेक्स्ट इज योर स्ट्रेटजीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। डिफरेंट कंपनीज ग्रो करती हैं ग्लोबली बाय अडॉप्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जो कंपनीज हैं वो इवन डिफरेंट स्ट्रैटेजीज डिफरेंट नेशंस के लिए अडॉप्ट करती हैं। तो वेरियस स्ट्रैटेजीज कौन सी है ग्लोबलाइजेशन की। फर्स्ट है एक्सपोर्टिंग। एक्सपोर्टिंग सबसे ट्रेडिशनल वे है ग्लोबलाइजेशन का। इनिशियली जो एक डोमेस्टिक बिजनेस यूनिट जब स्टार्ट करती है अपना इंटरनेशनल बिजनेस तो वह एक्सपोर्ट करके शुरू करती है एक नेशन को, और ग्रेजुअली वो एक्सपैंड करती है अपना एक्सपोर्ट डिफरेंट नेशंस को। तो एक्सपोर्टिंग बहुत यूजफुल है। जब एक कंट्री के पास सरप्लस प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है तो वो डोमेस्टिक कंजम्पशन को फुलफिल करने के बाद उस जो भी उसका एक्सेस प्रोडक्शन बचा है उसे एक्सपोर्ट कर देती है, और इस तरीके से जो कंट्री है वो एंजॉय करती है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग दीज गुड्स इन कंपैरिजन टू अदर नेशंस। और ये कंपैरेटिव एडवांटेज जो होती है वो किस फॉर्म में हो सकती है, चीप लेबर की फॉर्म में हो सकती है, अबंडेंट सप्लाई ऑफ गुड्स की फॉर्म में हो सकती है,
रॉ मटेरियल अच्छा मिल रहा है आपको, टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज एक्सेट्रा चीज़ें हो सकती हैं। देन नेक्स्ट इज लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग भी एक तरीका है। लाइसेंसिंग में जो बिजनेस यूनिट है एक कंट्री की, जिसे हम लाइसेंसर कहते हैं, वो अलाउ करता है बिजनेस यूनिट जो दूसरी कंट्री की है उसको, जिसको आप लाइसेंस दे रहे हो उसे लाइसेंसी कहेंगे, कि वो यूज़ कर सकता है उसका टेक्निकल नो हाउ, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एक्सेट्रा। इसके लिए जो लाइसेंसर होता है वो चार्ज करता है रॉयल्टी लाइसेंसी से फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। और इन मोस्ट ऑफ द नेशन जो रॉयल्टी ये होती है वो 5% से 8% तक होती है सेल्स का। जो लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स होते हैं वो अनेबल करता है लाइसेंसर को कि वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकता है अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। और लाइसेंसी को भी बेनिफिट्स मिलते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बाय एंटरिंग इनटू लाइसेंसिंग एग्रीमेंट। देन नेक्स्ट टर्म इज फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है, एक जो बिजनेस यूनिट है एक नेशन की, जिसे हम फ्रेंचाइजर कहते हैं, वो राइट देता है दूसरे को बिजनेस करने की उसी पर्टिकुलर मैनर में जिस मैनर में वो कर रहा है टू द बिजनेस यूनिट ऑफ अदर नेशन, जिसे आप दे रहे हो, जिसे हम कहेंगे फ्रेंचाइजी। तो ये जो राइट वो दे रहे हो विद रिगार्ड टू सेलिंग दी गुड्स अंडर दी ब्रांड नेम ऑफ फ्रेंचाइजर, सपोज जो आपका पर्सन है, जो फ्रेंचाइजर है, उसने अपना एक प्रोडक्ट बनाया अपने ब्रांड नेम के अंडर, और वो उस किस पर्टिकुलर तरीके से बनाया, और वो राइट उसने दूसरे को सेल कर दी अपना ब्रांड नेम के हिसाब से, जो आपका ब्रांड नेम है, जो फ्रेंचाइजर है, जो उसका ब्रांड नेम है, उसके ब्रांड नेम के अंदर वो गुड बना के बेच सकता है जिसे आपने राइट दिया, तो वो फ्रेंचाइजी कहलाएगा आपका। तो कई केसेस में जो की कंपोनेंट्स हैं वो प्रोवाइड फ्रेंचाइजर ही करवाता है फ्रेंचाइजी को। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें जो सॉफ्ट ड्रिंक मैनुफैक्चरर्स है, जैसे पेप्सी और कोको कोला है, जो की पार्ट है उनके प्रोडक्ट का, दैट इज जो सिरप है, वो दूसरे नेशंस की फ्रेंचाइजीज को प्रोवाइड करवाते हैं। जो फ्रेंचाइजीज हैं, जो दूसरे नेशन में कंपनीज हैं, वो अपना बॉटलिंग प्लांट लेती हैं, वहाँ पर वो अपनी सॉफ्ट ड्रिंक्स बना रही हैं, और वो जो की पार्ट है प्रोडक्ट का उसे वो यूज़ करके अपने जो प्रोडक्ट्स हैं कोको कोला या पेप्सी वो बना रही हैं, और उसे उसी ब्रांड नेम के अंडर, पेप्सी या कोको कोला जो भी ब्रांड नेम है उसके अंडर वो उसे बेच रहा है, तो उसे हम कहते हैं फ्रेंचाइजिंग। देन नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रैक्ट मैनुफैक्चरिंग। इस एग्रीमेंट में क्या होता है, जो पेरेंट एंटरप्राइजेस है एक नेशन की, वो एंटर करती है एग्रीमेंट में विद द मैन्युफैक्चरर ऑफ अदर नेशंस कि वो मैन्युफैक्चर करेगा गुड्स उसके लिए एज पर प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड, बट जो राइट है टू मार्केट दीज गुड्स वो पेरेंट एंटरप्राइज के पास ही रहती है। इस एग्रीमेंट के अंडर जो पेरेंट एंटरप्राइजेस है वो एक्सपैंड करती है अपना बिजनेस दूसरे नेशंस में बिना अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप किए। इसका मतलब सिंपल सा इतना कि एक कंपनी है, वो दूसरी कंट्री की जो कंपनी है वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है उससे उसने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वहाँ दूसरी कंट्री का जो मैन्युफैक्चरर है वो उसको प्रोडक्ट बना के देगा, और वो उसको राइट देती है उसके लिए, प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स बता देती है कि ऐसे प्रोडक्ट बनाना है, लेकिन उसे सेल वो अपने नेम पे ही करेगी और अपने आप करेगी, मार्केटिंग उसकी वो अपने आप करेगी। तो अगर जो पेरेंट एंटरप्राइजेस है उसे लगता है कि जो मार्केटिंग पर्टिकुलर नेशन में प्रॉफिटेबल नहीं हो रही है, तो वो इजीली एग्जिट कर सकती है उस नेशन से, क्योंकि उसने प्रोडक्शन यूनिट तो वहाँ पर सेटअप की ही नहीं है। नेक्स्ट इज जॉइंट वेंचर, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।